तो हेलो फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स में देखने वाले हैं कि राइजोबियम क्या होता है। ओके, जिसे हम फ्रेंड्स एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बुलाते हैं। आज फ्रेंड्स हम इस यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई दिस फ्रेंड्स। यहाँ हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने बोली है। सबसे पहले हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ प्लांटलेट ऑफ फेन्यूग्रीक, ग्राउंड नट और एनी अदर बी एंड स्टेरलाइज इट विद 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फ्रेंड्स प्लांटलेट क्या होते हैं? फ्रेंड्स प्लांटलेट असल में छोटे प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स फेन्यूग्रीक यानी मेथी, ग्राउंड नट यानी फ्रेंड्स घर में आप जो नट्स देखते होंगे वो, ओके, और बी, इनमें से फ्रेंड्स किसी का भी आपको एक प्लांटलेट यानी एक छोटा प्लांट लेना है और उसे स्टेरलाइज यानी उसे क्लीन करना है 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है H2 और O2। इसे हम बुलाते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके 3 to 5% सॉल्यूशन से आपको इन प्लांटलेट्स को यानी छोटे छोटे प्लांट्स को स्टेरलाइज यानी क्लीन करना है, यानी इनके ऊपर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको हटा देना है। आफ्टरवर्ड्स Keep it in a 70% solution of ethylene alcohol for 4 to 5 minutes. Friends, फिर हमारे जो प्लांटलेट हैं, उसे इथाइल अल्कोहल के 70% सॉल्यूशन में रखिए 4 से 5 मिनट तक। और जो फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है कि C2H5OH, इसे फ्रेंड्स हम बुलाते हैं इथाइल अल्कोहल। ओके, तो फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल के 70% सॉल्यूशन में आपको ये प्लांटलेट रखने हैं। क्लीनिंग द रूट्स विद स्टेराइज वाटर एंड टेक थिन सेक्शन ऑफ द रूट नोडल। फ्रेंड्स फिर उस प्लांटलेट के रूट्स को अच्छी तरीके से साफ पानी से फ्रेंड्स क्लीन कीजिए, यानी स्टेराइल पानी से क्लीन कीजिए जिसमें फ्रेंड्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना। और फिर फ्रेंड्स जो रूट नोडल्स है उसका एक छोटा सा सेक्शन लीजिए। रूट नूडल्स यानी फ्रेंड्स कभी कभी रूट्स में स्वेलिंग यानी सूजन जैसी हो जाती है, उसे हम रूट नूडल्स बुलाते हैं। ओके, अगर आपने किसी प्लांट के रूट्स देखे होंगे तो कभी कभी उस रूट्स में आपको एक बड़ा सा पार्ट नजर आया होगा, वो है रूट नूडल। तो उसी रूट नूडल्स का हमें एक छोटा सा थीन पतला सा एक सेक्शन लेना है। सिलेक्ट गुड सेक्शन एंड प्लेस इट इन अ सॉल्यूशन ऑफ सैफरिन फॉर 2 to 3 मिनट्स। फ्रेंड्स उस रूट नोडल का एक अच्छा सा सेक्शन सिलेक्ट कीजिए और उसे सैफरिन के सॉल्यूशन में 2 से 3 मिनट तक के लिए रखिए। फ्रेंड्स सैफरिन एक स्टेन है जो हमारे रूट नोडल को एक कलर देगा, जिसके वजह से फ्रेंड्स रूट नोडल के अंदर क्या क्या है यह हम साफ साफ देख पाएंगे। प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑन अ ग्लास स्लाइड, कवर इट विद अ कवर स्लीप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स अभी वो जो हमने स्टेन किया हुआ रूट नोडल का सेक्शन है उसे ग्लास स्लाइड पर रखिए और उसे फ्रेंड्स एक कवर स्लिप के जरिए कवर कर दीजिए और फिर उस स्लाइड को फ्रेंड्स एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स आपको क्या दिखेगा? द पिंकिश रॉड शेप ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। फ्रेंड्स आपको पिंक कलर के रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे और वो पिंकिश रॉड शेप ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं बल्कि फ्रेंड्स राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो फ्रेंड्स राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ इस तरह के दिखते हैं और इन्हें ये जो पिंकिश कलर मिला है फ्रेंड्स ये हमारे स्टेन सैफरिन की वजह से मिला है। ओके, नोट दैट वी हैड टू सर्च फॉर द रूट नूडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। फ्रेंड्स यहाँ एक बात नोट करने जैसी है कि राइजोबियम बैक्टीरिया ढूंढने के लिए हमें फ्रेंड्स लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोडल्स लेने पड़े। लेग्यूमिनियस प्लांट यानी फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स जो पी प्लांट को सिमिलर हो। किसे सिमिलर हो फ्रेंड्स? पी प्लांट यानी मटर का जो पौधा होता है फ्रेंड्स उसे सिमिलर, और उसके जो रूट नोडल्स है हमें उसे लेना पड़ा। ओके, आर द राइजोबियम बैसिलिया यूजफुल टू द प्लांट और हार्मफुल? फ्रेंड्स क्या ये राइजोबियम बैसिलिया या राइजोबियम बैक्टीरिया
ये फ्रेंड्स प्लांट के लिए यूजफुल होता है या हार्मफुल होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे इस पैराग्राफ में दिया गया है। ओके तो चलो फ्रेंड्स इस पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। यहां हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि प्लांट के लाइफ में राइजोबियम का रोल क्या है और उसका प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ओके राइजोबिया लिव्स इन अ रूट नोडल सप्लाइंग नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इट। फ्रेंड्स राइजोबियम ओके एक सिंगुलर होता है राइजोबियम। तो फ्रेंड्स ये जो राइजोबिया है ये फ्रेंड्स रूट नोडल्स में रहते हैं यानी रूट में जो स्वेलिंग जो सूजन होती है फ्रेंड्स उनमें रहते हैं और ये फ्रेंड्स ये हमें नाइट्रेट्स यानी फ्रेंड्स NO3 नाइट्राइट्स यानी NO2 और अमीनो एसिड्स देते हैं और फ्रेंड्स इसके बदले में ओके राइजोबियम नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में फ्रेंड्स राइजोबियम प्लांट से एनर्जी लेते हैं और वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ओके सच अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फ्रेंड्स ऐसी म्यूचुअल बेनिफिशियली जो रिलेशनशिप है यानी जहां फ्रेंड्स दोनों को फायदा होता है राइजोबियम को भी फायदा होता है एज वेल एज प्लांट्स को भी फायदा होता है ऐसी जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया और प्लांट के बीच इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बुलाते हैं। ओके क्या बुलाते हैं सिम्बायोसिस। ओके तो फ्रेंड्स ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है। ओके राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फ्रेंड्स हमने ये तो देख लिया कि राइजोबिया प्लांट्स को नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनियो एसिड ये सब नाइट्रोजन के ही कंपाउंड है फ्रेंड्स ये प्रोवाइड करता है और ये जो अमोनियो एसिड है फ्रेंड्स इससे हमारे बॉडी के अंदर के जो प्रोटीन है वो बन गए और फ्रेंड्स ह्यूमन की बॉडी में यानी हमारे जेनेटिक कोड में फ्रेंड्स अब तक सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है। ओके राइजोबियम तो फ्रेंड्स राइजोबियम ये नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड को एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन गैस है उससे बनाता है। ओके अब सब जानते हैं फ्रेंड्स एटमोस्फियर में 72% नाइट्रोजन गैस होती है। ओके तो उस गैस को यूज करके राइजोबिया ये सारे कंपाउंड्स बनाता है। हाउएवर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लिग्यूमिनस प्लांट लाइक बीज स्वीट पी सोयाबीन एक्सेट्रा एज अ होस्ट। बट फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है यानी एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेने की और प्लांट्स के रूट्स में डालने की जो ये जो प्रोसेस है इसके लिए फ्रेंड्स राइजोबिया को लेग्यूमिनस प्लांट्स लगते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो पी प्लांट को सिमिलर यानी मटर का जो पौधा है उसे सिमिलर जैसे कि बीज स्वीट पी सोयाबीन और एक्सेट्रा। ओके उसके होस्ट की तरह होस्ट यानी फ्रेंड्स वो प्लांट जिसके अंदर राइजोबिया ग्रो कर सकता है। ओके और राइजोबिया फ्रेंड्स सिर्फ लिग्यूमिनस प्लांट में ही ग्रो करेगा और उन्हीं में ही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकता है। पीस एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। फ्रेंड्स जो बीन्स और पल्सेस होते हैं उनमें फ्रेंड्स इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स इसलिए होता है बिकॉज फ्रेंड्स उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दिए जाते हैं जो फ्रेंड्स उन्हें राइजोबिया देता है। ओके तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि राइजोबिया प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स देता है जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और उन्हीं के वजह से हमारे बीन्स और पल्सेस प्रोटीन्स में इतने रिच हैं यानी उनमें इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके सॉरी After harvesting a leguminous crop, the leftover roots and other plant parts are deliberately dumped in the farm soil to maintain its bacterial population.
फ्रेंड्स हार्वेस्ट होंगे, न्यू फ्रेंड्स क्रॉप को कट करने के बाद, ओके जब आप ल्यूमिनस क्रॉप को कट कर, तो फ्रेंड्स उनकी हार्वेस्टिंग यानी उनकी कटिंग होने होने हो जाने के बाद, तो फिर फ्रेंड्स जो रूट्स या उन प्लांट के बाकी बचे हुए जो पार्ट्स है उन्हें फ्रेंड्स उन्हें फ्रेंड्स वापस से सॉइल में डाल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, तो सॉइल के बैक्टीरियल पॉपुलेशन यानी सॉइल में राइजोबियम का जो नंबर है वो फ्रेंड्स मेंटेन रहता है। ओके The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizer and thereby the adverse effect. Friends, rhizobium को use करने से हमारे chemical fertilizers का जो use है वो कम हो गया। अगर chemical fertilizers का use कम हो गया तो उससे होने वाले adverse effect यानी जो बुरे effect है हमारे environment पे वो बुरे effect खत्म हो गए। Okay? It has also helped to reduce expenses of on fertilizers and thus works to the benefit of the farmer. Friends, rhizobium ने हमारे fertilizers जो हमारे farmers का खर्च छोड़ा, उनके expenses जो fertilizers से जा रहे थे उसे कम कर दिया, और इसलिए उन्होंने हमारे farmers को बहुत ही help की। Nowadays, seeds are coated with राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर बिफोर सोइंग। फ्रेंड्स आज के दिनों में सीड्स को राइजोबियल सॉल्यूशन राइजोबियल पाउडर में डाला जाता है। ओके फ्रेंड्स जमीन में सो करने से पहले उन्हें इन राइजोबियल सॉल्यूशन या राइजोबिया पाउडर से कोट किया जाता है। आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर्स द प्लांट बिकॉज़ फ्रेंड्स एक बार हमने अगर सीड्स को सो कर दिया यानी उन्हें जमीन में बो दिया तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो एक प्लांटलेट फॉर्म करेगा यानी एक छोटा प्लांट फॉर्म करेगा, तो उस छोटे प्लांट में फ्रेंड्स ये राइजोबियम एंटर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोक्यूलेशन। और ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स जहां हम सीड्स को जमीन में बोने से पहले उसे राइजोबियल सॉल्यूशन से कोट करते हैं या राइजोबियल पाउडर से कोट करते हैं, जिसकी वजह से जब प्लांटलेट बनता है उसमें राइजोबियम अपने आप पहुंच जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम राइजोबियल इनोक्यूलेशन बुलाते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल एंड अदर क्रॉप्स बिसाइड्स ल्यूमिनस क्रॉप। फ्रेंड्स पहले हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स ये सिर्फ ल्यूमिनस क्रॉप्स में ही उग सकता है, बट फ्रेंड्स राइजोबियल इनोक्यूलेशन इस प्रोसेस के बाद इसे हम सीरियल्स और बाकी क्रॉप्स में भी फ्रेंड्स नाइट्रोजन की सप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा यूजफुल बैक्टीरिया, और ये जो दूसरा यूजफुल बैक्टीरिया था ये फ्रेंड्स लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोडल्स में आपको मिलता है। इसका मेन काम क्या है फ्रेंड्स, नाइट्रेट नाइट्राइट और जो अमीनो एसिड नाइट्रोजन से जो रिलेटेड कंपाउंड है उन्हें प्लांट की तरफ पहुंचाना, और बदले में ये प्लांट से एनर्जी लेता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये है फ्रेंड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और इसे हम सिंबायोसिस बुलाते हैं जहां दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। ओके देन फ्रेंड्स राइजोबियम ये सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन से बनाते हैं। ओके और फिर हमने देखा कि ये सिर्फ लिग्यूमिनस प्लांट्स में ही रह सकता है, बट उसके बाद फ्रेंड्स एक नई प्रोसेस आई जिसका नाम था राइजोबियल इनोक्यूलेशन, और इस प्रोसेस की वजह से ये बाकी प्लांट्स में भी ग्रो होने लगा। फिर फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जब लिग्यूमिनस प्लांट्स को काटा जाता है ओके उनकी हार्वेस्टिंग जब होती है तो फ्रेंड्स उनके रूट्स और उनके बाकी प्लांट पार्ट्स को सॉइल में वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि फ्रेंड्स सॉइल की जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है यानी सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया का जो नंबर है वो मेंटेन रहे, जिसके वजह से आने वाले जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी हेल्प हो। ओके तो फ्रेंड्स इस राइजोबियम ने हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पे होने वाला खर्च और फ्रेंड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह से जो फ्रेंड्स एनवायरमेंट में बैड इफेक्ट्स हो रहे थे उसे भी काफी हद तक रिड्यूस कर लिया है, और हमारे फार्मर्स को फार्मिंग के लिए काफी हेल्प की है। ओके तो फ्रेंड्स दिस वॉज अवर सेकेंड टाइप ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। फ्रेंड्स इसके बाद हम हमारे तीसरे टाइप का बैक्टीरिया देखने वाले हैं दैट इज फ्रेंड्स यीस्ट।
तो ये क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।